सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को सुस्ती महसूस होती है, कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी थकान रहती है और इसका असर हमारे रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ता है। आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए आपको कुछ खास चीजों के बारे में बताते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करती हैं। इन्हें खाने के बाद आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। अंडे, अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ब्रेकफास्ट में अंडे खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर में एनर्जी रहती है। अंडे में 13 तरह के विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि अंडे को सुपर फूड भी कहा जाता है। वजन कम करने में भी अंडा काफी कारगर होता है। बनाना, केले में खूब सारा पोटेशियम, फाइबर और विटामिन होता है। इसमें कार्ब्स की अच्छी मात्रा होती है जो आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखती है। केला खाने से पाचन सही रहता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत भी नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी केला बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स, ओट्स में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में ये बहुत फायदेमंद है। इसे खाने से जल्दी भूख नहीं लगती है। एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ ये वेट लॉस में भी कारगर है। ओट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते हैं। स्वीट पोटैटो, स्वादिष्ट होने के अलावा शकरकंद शरीर में एनर्जी बढ़ाने का भी काम करती है। एक कप शकरकंद में 25 ग्राम कार्ब्स, 3.1 ग्राम फाइबर, 25% मैंगनीज और विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। शकरकंद में मौजूद फाइबर और कार्ब्स को पचने में समय लगता है, इसीलिए इसे खाने के बाद शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है। एप्पल, सेब में कार्ब्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाला नेचुरल शुगर और फाइबर शरीर में ऊर्जा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता है और शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर को एनर्जी देता है। बीटरूट, चुकंदर भी शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। स्टडी से पता चला है कि चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड फ्लो को तेज करता है। चुकंदर में पाए जाने वाला नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। इसकी वजह से टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस में पोषक तत्व भरपूर होते हैं। सफेद चावल की तुलना में ये कम प्रोसेस्ड होता है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। आधा कप ब्राउन राइस में 2 ग्राम फाइबर और अच्छी मात्रा में मैंगनीज पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एनर्जी में बदलता है। ब्राउन राइस से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। नट्स और सीड्स, सूखे मेवों में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो आपको अंदर से पूरी एनर्जी देने का काम करते हैं। ये थकान और भूख को तुरंत दूर करते हैं। अगर आपको दिन भर की थकान दूर करनी है और एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना है तो मुट्ठी भर बादाम, काजू और अखरोट खाएं। इसके अलावा चिया सीड्स भी एनर्जी बढ़ाने में बेस्ट माने जाते हैं। पानी, ठंड के दिनों में लोगों की पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से कम एनर्जी महसूस होती है। इस मौसम में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। इससे आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे।